तो लेके जाते रही मस्जिद में, तो वहाँ पे गाना बजली जय श्री राम। जब ये गाड़ी भरे कर ली तो वहाँ पे मतलब रोरा पत्थर बा ये सब चलावे लगल मस्जिद के ऊपर से। कुछ वही में अत्याग आदमी सब समलंग होके ये गुंडागर्दी करी छाई, तोड़ फोड़ करी छाई, ये सब न हो के चाहिए। हम सब सब दिन से यही जो भी इसमें गलती वाला है ओकरा पुलिस प्रशासन ओकरा पर कार्रवाई करे के चाहिए। हम सब चाहे छी कि एकदम शांति सुरक्षा के हिसाब से रहे, एक मिलाप हो जाए। नमस्कार, अभी हम ग्राउंड जीरो में सरलाही के सदर मुकाम मलंगवा में आयल छी, जहाँ पर देखलिए अपने कुछ दिन पहले कृष्णामठी के लेकर के जे दू समुदाय में अठामन बहुत बड़ा झड़प भग रहा, और वही के झड़प के कारण से अत्यधिक अठान समस्या उत्पन्न भेल रहे, जे कि एक रात कर्फ्यू भी लगाएल गेल रहे। और काल अठामन सीडीओ कार्यालय में प्रशासन कार्यालय में दुनू के मिलापत्र भी भेल रहे, लेकिन वही के बादो बाजार में बहुत तनातनी है, बाजार में बहुत सब दुकान सब बंद है, और वही के लेल मलंगवा के अगल बगल के गाँव सब में भी अभी बड़का समस्या चल रहा है। अभी जे हिंदू और मुस्लिम के जे कुछ दिन पहले लफड़ा भेल रहले दुनू समुदाय के बीच, वही के कारण से अभी सुरक्षा निकाय के मीटिंग बैठल है। देखे छी DIG साहब के गाड़ी देखाबे जा रहल छी, अपने के जनकपुर से आयल है, ओनाहिते सेना के गाड़ी आयल है, ओनाहिते सशस्त्र के गाड़ी सब देखे छी आयल है। पूरे सुरक्षा निकाय के अपने के अभी मीटिंग चल रहल है कि दुनू समुदाय के मिलापत्र करायल जाए, जे अभी जे घटना चल रहल है दुनू समुदाय के बीच में उ शांति पूर्वक समाधान हुए। अइ लेल कि बहुत बड़का ऐसे कनिका दिन पहले भी लफड़ा भेल रहे, और दू चार दिन से पूरे मलंगवा के अगल बगल के गाँव सब भी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के लेकर के तनावग्रस्त है। उ तनाव कम करे के लेल सुरक्षा निकाय के संपूर्ण के देखावे जा रहल छै, अपने के मीटिंग अभी बैठल छै कि दुनू समुदाय के बैठ के कॉम्प्रोमाइज करायल जाए। हम 10 बजे फोन कैले रहलिए CDO साहब के कि अइ संबंधित कुछ बात सब करे के, लेकिन सुरक्षा निकाय के मीटिंग होय के कारण से बिजी छथिन। यदि फुर्सत मिली छै तो उनका से हम सब अइ संबंध में बातों करे के प्रयास करबै। ओनाहिते जे घटना घटल रहै ओहिठाम जे पूजा भेल रहै पूजा समिति के अध्यक्ष छथिन उनका से हम बात करबै। अपने के जानकी टीम में स्वागत है। की घटना घटल रहै जते बड़का समस्या भेलै? मतलब हमनी सब मूर्ति मतलब विसर्जन होइत रहली ना, तो लेके जाइत रहली मस्जिद में, तो वहाँ पे गाना बजली जय श्री राम के। जब ये गाड़ी भरे कर ली तो वहाँ पे मतलब रोरा पत्थर बा ये सब चलावे लगल मस्जिद के ऊपर से। मस्जिद के ऊपर से चलावे लगले से कहना घर के ऊपर से मस्जिद के ऊपर से दोनों लमन से चलावे लगले। अच्छा, मतलब अहाँ कहना मतलब से हिसाब से जब वही में जुलूस निकले छे तो वही ठान के ऊपर से जो है से बरसावे लगे। हाँ, से कहे के मतलब से ठीक छी। तक बाद फिर कथी भेल? तो फिर एनहियो से बरसेलिए? एनी से मतलब न बरसली, हमनी सब मैनेजमेंट कर रहल छी कि चल जो भरू झगड़ा उगड़ा न करके ई चीज बिहान होते। लेकिन ओकरा हमके भी दिखा रहल है कि अहाँ सके ओकरो जे मस्जिद है ओहू पर जे से बरसा रहल छी सेहो दिखा रहल छी। आरो आदमी सब बरसैले होती, लेकिन हमनी सब तो मूर्ति अधि कर मूर्ति अगाड़ी करके मूर्ति विसर्जन कराबे के अथी। मतलब अहाँ सबके ओहि में गेली तो ओहि पर बरसल के अहाँ सब चलि गेली, लेकिन उनकरो जे फोटो सब सामाजिक संजाल में आ रहल है कि हमरा सबके मस्जिदों पर जे है से पत्थर बरसैले है, वो अहाँ सब नहीं बरसैले? हमनी सब ना बरसैले छी, आरो दोसर बरसैले होती, लेकिन हमनी सब तो जाइत रहली मूर्ति ले जाके मतलब विसर्जन करे। हमनी सबके सबसे ज्यादा ध्यान रहली मूर्ति पे, वही से बरसावे लगली खाली गाना सुन के। हाँ, चलू देखै छी अध्यक्ष जी का नाम भेलै कि हम सब ओहि में लऽ जाइ छलियै और वही पर बरसावे लगलै ऊपर से ईटा वगैरह, लेकिन इनकर कहनाम भेलै कि हम सब निकलै और ओहि पक्ष से कहनाम होइ छै कि हमरा के मस्जिदों पर पत्थर वगैरह तोड़ फोड़ कैलके कही करके, लेकिन इनका से कहनाम होइ छै कि हम सब लऽ जाइत रहियै मूर्ति विसर्जन में तऽ एहिठाम जय श्री राम या नारा जे भगवान के नारा लगैत हुए जाइत रहै, लेकिन ऊपर से जे है से अपने के ईटा वगैरह बरसावे लगलै से कहनाम बढ़ल। एनाहिते अभी मलंगवा शहर में आ गेल छियै, एहिठाम के स्थिति की है दृश्य दिखावा जा रहल छै। देखिए पूरा बाजार पूरा बंद के स्थिति है,
अभी जो घटना घटल रही है वही के लिए पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात है और पूरे देखिए बाजार बंद है सुन सुनाटा है। हालांकि काल दुनू पक्ष के सहमति भ गए रहे फिर भी वही के बादो आई कनिक अठामन देखल गए दुनू पक्ष के समझौता होला के बाद हो कुछ अठामन दुकान सब बंद है वही के कारण से जिला प्रशासन कार्यालय में भी गेल रहा है सी डी ओ साहब से भी बात कैलिए लेकिन अभी सुरक्षा निकाय के मीटिंग चल रहा है वही के कारण से अभी सब कोई में बीच है और कोई अप्रिय घटना नहीं घटो देखिए अठामन कर्फ्यू भी लगाएल गए और अपने के देखिए देखाबे जा मलंगवा बाजार के दृश्य पूरा के पूरा अपने के बंद के स्थिति में है ओनाते अठामन कुछ हम जनता से भी बात कर चाहब अपने के बैठा कथी के लागी बंद है अपने के कथी के लिए बंद कैल पूरा बाजार कृष्णाष्टमी जन्मी के दिन हाँ मूर्ति भसावे के दिन में मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय के बीच विवाद भेल। अच्छा तो विवाद हले काल जब दोनों के विवाद तो सलटल गेल रहे सलटल गेल रहे फिर भी अब की है नहीं नेता सब जाने ए मतलब सलटला के बाद फिर से विवाद मतलब रही गेल ते काहे दुकान बंद कर लगी दुकान वो अपने आप के बंद है बुझू ना जब लोग क्लियर ना तो ना खुलते ए दुकान मतलब लेल बंद करे क्लियर नहीं अप्रिय घटना नहीं घटते लेल जी जी देखिए छे एनाहिते अठामन के जनता कह रहल है कि अप्रिय कोई घटना नहीं घटे तै के कारण से अठामन दुकान बंद कर ले छे और भी से हम पूछे लागी अठामन जेबे कि वास्तविक में दुकान अठामन कथी लागी बंद है और देखिए छे दुकानो खोलले है किराना दुकान सब तो आधा शटर लगा के खोलले छे अभी जे अपने सब दुकान जे बंद कर ले छे और कथी के लागी बंद कर ले छे अपने सब ए हल्ला उल्ला के लेल बंद है सर हल्ला उल्ला भ रहल है पता न अभी हम सब अभी अइली घर से खोले अइली मतलब किराना के सामान के चलते अभी खुल रहा है बाजार के की लेकिन एकरा बाद कथी डर भाई है कोई चीज के तेल बंद कर ले छी अपने सब अब डर भाई कथी एमे बेसे लूट पटंगर के बात है उड़दन हुई हां उड़दन के बात है तो सही कारण से बंद कर ले जी देखिए छी ओनाहिते दिखावा जा रहल छी अभी जे बंद के स्थिति छै ओनाहिते दिखावा जा रहल छी कि वास्तविक में इहो सब मार्केटिंग करे आइल छथिन अभी 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 जो आप आइल छी मार्केट करे के लागी दुकान सब बंद कथी के लागी बंद दुकान से सब अपने में अपने बंद कर ले बंद कर ले मुझे समस्या सब जे छले ये वही के कारण हां बंद ही है हां वही समस्या कारण। की हो गई चाहे दोनों के मिला पत्र हो गई चाहे की हो गई चाहे मिला पत्र होती वही में ठीक रहती सर हां सब आदमी के मिला पत्र होती जे सब अपन अपन काम धंधा करते लेकिन ये ना जे बीच बीच में भाई सीधा अच्छा वाला बात ना 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 अच्छा वाला कोना से ओ भाई साहब इधर आइए क्या नाम है आपका गुलाम मुस्तफा अभी हम गुलाम मुस्तफा जी से बात करे जा रहा है अभी जे दो चार दिन से जे मलंगवा के स्थिति के बारे में बताया जा और अभी जे पूरा के पूरा बाजार बंद है वही के की है ये बहुत गड़बड़ स्थिति है हम सब शुरू से सद्भाव बना के रखले रहली कुछ कुछ वही में अत्याग आदमी सब चमलंग हो के ये गुंडागर्दी करी छै तोड़ फोड़ करी छै ई सब न होय के चाही हम सब दिन से यही समाज दोनों समुदाय के मिला के रह के चाहे कैसे का नाम शुरू से ई सब जे भ रहल है के बारे में की कहबे ई बहुत गलत हो रहल है बहुत गलत हो रहल जी अगर पुलिस प्रशासन गलती किन कर देख रहल जोन भी इसमें गलती वाला है ओकरा पुलिस प्रशासन ओकरा पर कार्रवाई करे के चाहे अच्छा मतलब जे गलती कैले है पुलिस प्रशासन ओके कार्रवाई करो और चाहे कोनो पक्ष के हो लेकिन सद्भाव बन के रहे बने के रहे देखे छे मुस्लिम पक्ष से भी हम तो बात करे छी तो उनको भी का नाम होय छै कि दोनों पक्ष मिल करके रह के पड़े और जे भी गलती करे चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो चाहे जे भी पक्ष हो उनका सजा मिले के चाहिए और सद्भाव बना के अठामन चलो चाहे स्थिति देखिए बहुत गंभीर अपने के देखिए पूरे पूरे बाजार बंद है पुलिस देखिए पुलिस के और अठामन के स्थिति के दिखावा जा रहा है वास्तविक में दयनीय स्थिति वास्तविक में कनिका समस्या वाला स्थिति अठा नजर आ रहा है अठामन के प्रशासन के अभी मीटिंग चल रहा है जत्ते जल्दी से जल्दी हो सके अठामन नियंत्रण कर पड़ते स्थिति के नहीं तो आने वाला समय में कनी ज्यादा गड़बड़ हो के संभावना बुझा रहा है कारण से अखन तो देखे छे निकाय में संपूर्ण बैठान SP साहब CDO साहब लगात सेना के प्रमुख सबके लगात अभी मीटिंग चल रहा है वही मीटिंग में अपने के जे भी नतीजा होइ छै उनका जे है से शांति बनाबे के जरूरी है मलंगवा नगर पर जे पूरा बाजार बंद है आज 4-5 दिन से बहुत बड़का समस्या चल रहल छै अइ इलाका में
और बहुत भय के माहौल है, बहुत भय के माहौल है। ये भय के माहौल के खत्म करब पड़ते जते जल्दी से जल्दी हो सके, अल कि सामाजिक संजाल से लेके हरेक जगह देख रहा छी ओनाते अभी यही इलाका के बहुत बुरा नेताजी अशोक यादव जी के देखे एकदम बैठल छथिन और उनका से बात करे जा रहा माहौल जो माहौल अभी गड़बड़ है, पूरा पूरा मलंगवा बाजार बंद है, अभी इनका से हम बाइट लेवे जा रहा छी। अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। अभी अपने देखे जना लॉकडाउन के समय छे एकदम आराम के स्थिति छे, वही हिसाब से अपने के देखे आराम से बैठल छी बाजार में सब दुकान के बंद करके। आराम से बैठे के अभी के अवस्था में तो नहीं है अपने के, हम कहब बहुत दुख लाग रहा है बहुत हमने सब के अवस्था, खास करके हमारे सरलाही के सबसे पुराना सदर मुकाम मलंगवा नगर पालिका, और यहाँ के घटना जी अपने सुन लो अभी मीडिया द्वारा सोशल मीडिया द्वारा तो बहुत अपने के दुख लाग रहा है। हमारे सबके एक आपस में हम सब मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क के अभियो भी हम सब विगत के जे मतलब सोच अभी भी हम सब दोहराएब तो हमारे सबके खास करके मदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लेकिन लेकिन नेताजी ये अभी जो घटना घटल है अहाँ सब अगुवाई करी छी जनता के, अहाँ सबके आगे बढ़ करके दुनू समुदाय के केना अब शांत होते वो काम अहाँ से कर जी देखल जाओ देखल जाओ। खास करके अभी की कहब अपने के पर टोटल अपने के प्रशासन के बहुत कमी कमजोरी, प्रशासन के नालायकी के हिसाब से अभी ये वातावरण जो सृजना भेली अपने के दू तीन दिन से जो अवस्था देख रहा छी अपने के टोटल हम दोष अपने के प्रशासन के देव। शुरू में कहीं भी थोड़ा भी अगर समस्या उत्पन्न भेलै तेकर मतलब जे यहाँ के खास करके मलंगवा नगरवासी के दुनू समुदाय के मेन लोग विगत में भी कुछ बात सब एहन विवाद सब भेल है लेकिन हम सब ओकरा सामने कर लै छी, हम सब समाधान कर लै छी। लेकिन अभी जे अपने के दू तीन दिन से प्रशासन के कोनो हम देख रहा कि डाइवर्ट बात के कहके मतलब जना कहै छी ना कि जे अपने के आग में घी रखे वाला बात तो मदेश तो अपने के विगत बहुत अपने के 63 साल के ज़्यादा दिनों ना भेली ना, लोग तो आंदोलन से एकदम वाकिफ है सारा कुछ बुझ समझ रही ना अपने हक अधिकार के लिए, तो वही चीज़ का समाधान करके देखल जाओ ये अपने के सांप्रदायिकता ये बात सब आ रहा है बहुत हमारा सबके हक में संहिता के विरोधी कुछ तत्व सब है अपने के लागल वो पर ज़्यादा मतलब अपने के अथी कैले ध्यान दिले है कि विवाद बढ़े और हमारे सबके कमी कमजोरी हम अपने के आग्रह अपने के मीडिया के द्वारा हम खास करके मलंगवा नगर और सरलाही वासी के हम कहे चाहब कि यही तरफ न जाके अगर कमी कमजोरी कहीं से गलती भेल ओका समाधान बैठ के समाधान करे जा नेताजी कल जैसे दोनों पक्ष के बैठ करके सीडीओ समय ऑफिस में समाधान भेल रहे ओके बाद हो आई के स्थिति देखे जी खराब के खराब है देखल जा। अभी जे अब ना कहब तो जे अब सीडीओ साहब के द्वारा जे अभिव्यक्ति कुछ जेहन आयल है ये अपने के एकदम गलत आयल है देखल जाओ कैला हम इन कब देखल जाओ हमारा एगो हिंदू होला के कारण से ये अहाँ कहब कि अहाँ हिंदू के तरफ बोल जी चाहे हम मुसलमान हम अपने के कह दिल शुरू में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई छी, हम सब मदेश आंदोलन में सब आदमी मिल के संघर्ष कैली तब ये आके संहिता अलग में सबके योगदान है अपने के हर एक समुदाय के योगदान है। तो वही के हिसाब से जना कि सीडो साहब के अभिव्यक्ति अलग कि चंदन न करे के वो अपने के रामरामा न लगाबे के ई न करे के हम कभी मुस्लिम समुदाय के अहाँ दाढ़ी काट लूँ अहाँ मतलब कुरान पढ़ी से न पढ़ू तो ये गलत बात भले नहीं और लोग में रिएक्ट मतलब होती ना ये वातावरण ये व्यक्ति सब एगो जिम्मेवार पर्सन से आनाई ये बहुत गलत बात है। हम सब अभी चाहे अब दोनों पक्ष के केना लख चलबे अपने सब हम सब में पहल कर अगुवाई करबे यहां से खास करके हमरा सबके महतरी में कार्यक्रम होला से जनकपुर में हम बैठक होला से हम अपने के चल गेल 2 दिन से हम सब पहल कर रहल छी हम सब दोनों समुदाय के लोग के बैसा के आ ई वातावरण शाम करे के लिए हम सब पूर्ण रूप से लागब कैला तो हमरा सबके पीड़ा हमरा सबके दर्द हम सब इतने बड़ा संघर्ष करके इतने बड़ा क्षति करके जे ये उपलब्धि आयल है अपने के मदेश में यही देश में संहिता ई अपने के संहिता ही धराप में पारे के लिए विभिन्न ढंग के षड्यंत्र षड्यंत्र से बचे के लिए हम आम लोग के मलंगवा नगरवासी के हम सब के हम आग्रह करे चाहब अठाम देखलिए अपने सबके कि जनता से लेकर के नेताजी सब चाहे छथिन कि दुनू पक्ष बैठ करके अब जे गलती तो भे गए लेकिन अभी जे समस्या चल रहा है बाजार में फिर आगे और भी बात नहीं भर के दुनू समुदाय के बीच के एगो समझौता करा करके और ई बात आगे जैसे बढ़ाए ओना तो अभी हम सीडीओ कार्यालय से अलिए देखली अपने सबके कि सीडीओ साहब से भी बात करे के प्रयास के लिए लेकिन सब बिजी छथिन अभी सुरक्षा निकाय के मीटिंग चल रहा है और जते जल्दी से जल्दी हो सके अठाम दुनू पक्षीय बैठ करके समाधान करे के प्रयास करे पड़े। अभी जो मलंगवा के समस्या छे दुनू पक्ष के बीच में दुनू समुदाय के बीच में अभी एठान जनता सबसे भी पूछलिए और हम सब स्पोर्ट पर भी अभी आयल छी मस्जिदों में आयल छी मस्जिद लग हम सब कि वास्तविक में बात की है अपने के जे अभी जे समस्या सब जे चल रहा है कि है एठान के समस्या कैला दुकान सब बंद है कैला कि एना समस्या सब उत्पन्न भाई
हम देखो ये समस्या सबन कैला उत्पन्न हो यहाँ सबके तो खैर बहुत चीज जानकारी होते फिर भी अहाँ सबन आयल छी तो एक लगी धन्यवाद कहे कि यहाँ कम से कम ई बात सरकार तक पुगत तो हमनी सबके बहुत एहन साधन सुविधा देल जते जना कि हमनी सबके प्रशासन अभी के हमनी सबके लागे हीरो हमनी सबके प्रशासन ही है कि हमनी सबके सुरक्षा दे रहल है यहाँ तक हमनी सबके घर पे आके आक्रमण कर रहल है। लेकिन एठान दुनू समुदाय से भी उहे बात आ रहल है, उ सब कहै छथिन कि हमरा घर पर आक्रमण होइ छै, अपने सब कहै छी कि हमरा घर पर आक्रमण होइ छै की बात? ठीक है, अगर ओकनी के घर पे आक्रमण होले तो कहाँ होले, हमनी सबन केनहू गेल छी या न गेल छी, यहाँ से चार दिन से हमनी सबन कहूँ न निकलल छी, यहाँ पुलिस भी है, अहाँ सन पुलिस सब से भी यहाँ सबन इंक्वायरी कर सके छी, लेकिन हमनी सबन चाहे छी कि हमनी सबन न हिंदू न मुस्लिम रह के हमनी सबन ई नेपाल जेहन शांति देश जेहन जो शांति के प्रतीक है पूरा विश्व में छायल है कि जो नेपाल जेहन देश में एगो गौतम बुद्ध जेहन आदमी शांति के लागी सब कुछ कैले शांति के नाम पे भगवान भी बनल है ओहन देश में ई हिंदू मुस्लिम के लड़ाई करना ई कोई सही बात नहीं। मतलब कि दोनों के मिल के रह के प्रयास मिल के एगो हमनी सके न हिंदू न मुस्लिम बन के एगो मानव अधिकार के लागी अपना मानव जाति के लागी अपना एगो नेपाली के सुरक्षित के लागी हमनी सके एगो नेपाली बन के रहे के कि दोनों समुदाय के मिल के मिल के एकदम रहे के है। आखिर न अगर मिल के रहे के रहती तो हमनी सबके वार्ड से लेके पूरा केंद्र तक हिंदू भाई सब भी है तो हमनी सब नौकरी सके वोट दे के काला जीतती आई वार्ड में जीतल तो हिंदू भाई सब पे भरोसा करके ही ओकरा वोट दे के हमनी सन जीता के आगे बढ़ेली कि हमनी सबके लागी आगे विकास करते कैला राजनीति के कोई एहन चीज है जो विकास मतलब वहां चाहे छी दोनों को मिलके रहे मिल के रहे झंझट नहीं एकदम कोई झंझट ना हमनी सन यहाँ से चार दिन से हमनी सन कहूँ ना गेल छी अगर हमनी सबन चाहती झंझट तो हमनी सन यहाँ से निकलल रहती ना लेकिन हमनी सबन चाहे छी कि एकदम शांति सुरक्षा के हिसाब से हमनी सन मिलजुल के रहू विकास करू योजना बनाओ योजना बनला से विकास होती विकास से समृद्धि होती जब समृद्धि हमनी सबके छा जती शांति होती शांति के हिसाब से हमनी सबके होठ में मुस्कान होती जब होठ में मुस्कान होती तब दिल में एगो आशे होती खुशी होती सब समाज के खुशी होती वही हिसाब से आगे रोजगारी बढ़ रहा है कि जनाई में जात रहे और ऊपर से वो वीडियो में बहुत ज़्यादा लीक भ गल है कि ऊपर से जब ईटा बरसा दिल्क गरम पानी बरसा दिल्क पर की कही अब गरम पानी बरसैले है पत्थर बरसैली तो वीडियो तो आयल होती ना वो वीडियो देखती कहाँ पे कि वीडियो सीधे कोहला से तो न होते कि कहूँ पे अब कहूँ पे बरसायल वीडियो ठीक है ये तो घटना एक दिन के घटना नहीं चार दिन से घटना घट रहा है आ आके बार बार आक्रमण कर रहा है अब केकरो घर पे तू आक्रमण करबू केकरो छत पे आक्रमण करबू तो अपना बचाव के लागे अगर कहूँ पे कैली होते अब कहाँ पे कि वीडियो अगर कैली ही होते तो वो तोरा घर पे न करे गेलो ना तू ओकरा घर पे करे आयल छौ अगर वो बचाव के लागे कर रहा है तो मैं गलती के करी तू कैला दूसरा के घर पे करे जा रहा छौ आई मानत चल ठीक है एगो यहाँ पे अगर कोई रीजन से अगर झगड़ा हो गई रात में तो वो रात के ही खत्म हो जाए के चाहे ना वो फिर बिहान होके नारा जुलूस ई वो करला से तो कोई फायदा नहीं है ये चार दिन से कथी ला तो कोई झगड़ा न हो तो जबरदस्ती के झगड़ा हमी सब अब चाहे छी कि एकदम शांति सुरक्षा के हिसाब से रहे एक मिलाप हो जाए जेना कि काल्हे सब अथी के सद्भाव के लागी सब रैली भी निकालल गेले सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक भी करल गेले सीडीओ साहब करल गेले उही हिसाब से सब पूरा पालिका में अथी भी रैली भी निकाले हमनी सन सके स्वीकार भी कैली हमनी सब के वेलकम भी स्वागत भी कैली फिर बात केना हो गई ओकनी सबन जब गेले जब दोबारा मीटिंग करल कि एना एना अब दुनू पक्ष के अपन फैसला सुना दिले तो हमनी सन के ला के सुनल हमनी सन स्वीकार कर ली उस चीज़ के जब ओखनी सबके सुनाबे गेल तो अब ओखनी सबके कथी होल बहुत एहन उठ के चल गई ओखनी सन स्वीकार न कर ली आ उठ के जला के बाद उ बीच के जो मस्जिद है वहीं ओखनी सन पत्थरबाजी भी कर ली फिर ऐसा के टाइम जैसे 8:30 बजे के अपनी सबके टाइम चलो ठीक है अपने से बात भले लेकिन अब चाहे अपने के मिल के रहे हमनी सन ये चाहे कि मिल के रहे हमनी सन देखो आ हमनी सन यहाँ छी इतना आदमी छी लेकिन सब आन जान कर रहे हमनी सन केकरो कोई टोक रोक भी न करी छी चलो ओनाहिते ओनाहिते ठाने कुछ बुजुर्ग सब बैठल छथिन इनका सबसे भी बात करला चाहबे अपने के बुजुर्ग तो रहबे न कइली कोई बात नहीं रहल ने अब की चाहे छी जना अपने बुजुर्ग समुदाय है जेना सब अलै से ना वही हिसाब से हम सब बहुत जन उनकर स्वागत के लिए हम सब ताली भी बजैली है ना कि अच्छा बात कर रहल कि सब दोनों भाई जेने मिल के सब गोटे रह जा पहले जग तक जेने सब चीज दौड़ी दुकान खोला लेकिन लेकिन ये बीच बीच में एना भाई छे तो अई में अपने सब बुजुर्ग छे दो दोनों तरफ के बुजुर्ग के बैठ करके एने एने से मतलब तीन नंबर वार्ड से मुस्लिम के तरफ से एने कोई अथी न भेलै ओनिहे जे है ना वही मोहल्ला में जेन उत्तरबाड़ी मोहल्ला में पत्थरबाजी सुन ली कल के तो हम सब तो ये मोहल्ला में रह ली सुन ली कि जेने ना 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 फिर घटना घटली रात के पत्थरबाजी भेल जी चलो ओनाहिते जैसे देखलिए उत्थान के लोग सब के भी गुनासो है
और दुतरफा दोनों समुदाय की बात हम अपने सबके बीच में रख लिए, वास्तविक बात सबकी है, जनता ही से बात लकर दोनों तरफ के बात जनता से लकर हम अपने के दिखावे और घटना के देखे छे। मलंगवा में घूमल लिया अत के जो समस्या छे, दुकान पूरा बंद है और जगह जगह निषेध आज्ञा लगाएल भी है और जगह 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 जो है से लोग सब बैठ करके विचार बात विचार सब कर रहा है और इन कुछ समस्या पूछे जा रहा। अपने के जानकी टीवी में स्वागत है जी, धन्यवाद। की है समस्या अभी जो अपने सब दर दुकान सब बंद क के एना बैठारू काट रहा है, बैठल छी अपने? देख लो हम तो एगो बुद्धिजीवी कैसे से छी, एहिठाम व्यापारी सब सब गोटे देखी रहा छे, मानू कि आश्चर्य छे कि एगो हिंदू बाहुल्य जगह पर हम सब छी और हम अपना दे माने सो कि कहै छी जन्माष्टमी के शोभा यात्रा ने निकाल सकब, एगो वही रास्ता से गुजर नहीं सकब, ई बड़ा विडम्बना लागल कि और उल्टे हिंदू बाल बच्चा के पकड़ पकड़ के माने पहला तो दोषी के तो पहला पत्थर के मारलक अहाँ एक लेकिन उनका सब कहना मुझे कि एनी से जुलूस जाते रहे नारा लगल के और हमारा चिढ़ावे काम कल के हमरो पर पत्थर बरसल के चिढ़ावे के काम कल के तो कि अहाँ कानून में हाथ ले कानून में हाथ लेवे का अधिकार अहाँ के सरकार दिले है। ये देश धर्म से चलते कि कानून से चलते? कानून से तो कानून से चलते तो फिर कानून में अहाँ वोटों की जो वीडियो कहकर अहाँ कानून के बयान देखती है ना कि देखो हमारा हिंदू के धियापुता सब हमारा पर उसका उकसैलक, एक अहाँ के पास की प्रमाण है? वो नारा जुलूस लेकर जा रहा है कोई जत जाए के चाहिए, एक मतलब ही नहीं कि हाँ बरजैसी कभी हमारा उकसैलक तो ना पर पत्थरबाजी कर देवे ईटाबाजी कर देवे, ये तो सरासर ज्यादती है। अँ दुआरे अ ज्यादती से मुक्ति पावे के लिए एको रास्ता है, यदि जे पहला पत्थर उठैलक पहला दोषी वह पहले प्रशासन का कार्रवाई करो, तकर बाद प्रतिकार में यदि धियापुता सब यहाँ तोड़फोड़ कैले है तो दोसर सेकेंडरी अपने सब अब की चाहिए केना बात कही छी, दोषी के कार्रवाई करते सब चीज खुल जते सब वातावरण शांत भ जते, हमर सब के एक चाहे कि दोषी पर कार्रवाई भ जाए और वातावरण शांत भ जाए, जावत दोषी पर कार्रवाई नहीं तो हमारे लगे कि आक्रोश के कोई युवा के शांत कर देते चाहे मलंगवा के शांत कर देते, हरेक आज तक युवके सब अगड़ी बढ़े बतई का बड़ बुजुर्ग भी अगड़ी कूद पड़े ऐसे हिंदू को भी चाहते दोनों समुदाय के बीच के समस्या समाधान हो, भातृत्व जना पहले कायम हो, लेकिन वह पक्ष के महसूस करे पड़ते कि पहले हमारे गलती है, हम गलतियाँ न करे टाँट ठोकती तेना होते के बात करे ते दुआरे गलती महसूस करे दो माने पहला पक्ष दोनों पक्ष तेकर बाद बैठ के सामाजिको समाज में बैठ बैठ के गलती महसूस करते तो समझौता भा सके बसरते चलू ते दुआरे सब एगो तांडव विडम्बना से अथी करे पड़ल के कोनो बात। चलो देखल अठान के जनता सब बहुत आक्रोशित है, जनता सब बहुत आक्रोशित है अठामन अठामन योग कहे के कथन की है ई कोनो नया बात न है, वैसे पहले विश्वकर्मा जी के हाथ तोड़ दल कहे विश्वकर्मा जी के घेर लल कहे दुर्गा पूजा पहले एन बारंबार होत रहे जे बारंबार वही मोहल्ला में होय छे काला होय छे कहे जे फलाना मंत्री अब फलाना के सोशल हिंदू के बच्चा सब के प्रशासन पकड़ के लेके जाय छे, ठीक है प्रशासन जोरे हिंदू मुस्लिम सब पत्थर फेंक छे हिंदू पर ई बार बार वही जब काला होय छे। चलो ई होय छे एक एकर भाई होय के चाहि कि ना झूठो के मार्केट बंद करबे ले छी कहे छी मार्केट के बंद करबे मार्केट आखिर ये तो हुल होते दुकानदार के डर लग छे युवा सब देखे छे अठाम ने का नाम हो रहा है कि बारंबार बारंबार धार्मिक काम पर समस्या उत्पन्न हो छे ओय के कारण से और अइबेर ज्यादे ज्यादे आक्रोश है कहे छी चनन न लगाबे के जय श्री राम न बोल अइबेर ज्यादे आक्रोश है पूरा के पूरा मलंगवा शहर बंद है और दोनों पक्ष के भी का नाम हो छे कि ए बैठ करके बात के समाधान करते और समाधान होय के भी चाहिए ओय के बाद में ठान के बाजार खुल। अपने के आई मलंगवा के स्थिति हम सब देखलिए कि अठामन द्विपक्षीय जे समस्या छलैए अठामन के जनता से के आवाज और जहाँ पर घटना सब घटल रहा वही जगह हम सब जाके देखलिए और अठामन जे जनता छै उनकरे मुख से घटना के बारे में सुनलिए और अठामन अभी भी सुरक्षा निकाय के मीटिंग चल रहा है जिला प्रशासन कार्यालय में अभी तक नहीं सकल है चल रहा है कैला अठामन के जे माहौल है कनी अभी गंभीर है और अठामन जे हम सब दिखैली जगह जगह और दोनों समुदाय के मिला कर अठान पुलिस प्रशासन सबके मिल करके के समाधान करे के प्रयास कर रहा है। अभी धर के लिए हम विदा चाहब कैमरामैन दिवाकर के साथ, धन्यवाद नमस्कार।